इस वीडियो में इतिहास की एक ऐसी रहस्यमय संदूक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर कोई प्राप्त कर लेगा तो वह दुनिया का सर्वशक्तिमान बन जाएगा। तो वह कौन सा रहस्यमय संदूक है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। आर्क ऑफ कोवेनेंट के बारे में कहा जाता है कि यह लकड़ी का बना और सोने से गढ़ा हुआ एक रहस्यमय पवित्र संदूक है जिसमें 10 धर्मों के आदेशों की किताब रखी हुई है। मान्यता तो यह भी है कि संदूक में 2 पत्थर है जिन पर 10 उपदेश लिखी हुई है। वही कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि संदूक में कई ऐसी वस्तुएं हैं जो जादुई है और इनका उल्लेख बाइबिल में भी किया गया है। कहा जाता है कि आर्क ऑफ कोवेनेंट पहले यरूशलेम में था लेकिन 587 ईसा पूर्व जब यहूदियों की इस पवित्र शहर पर बेबीलोनियन सेना ने हमला किया तो यह शहर पूरी तरह से तबाह हो गया। इन्होंने कई पवित्र मंदिरों को तोड़ दिया क्योंकि इन्हीं में से किसी एक मंदिर में यह पवित्र संदूक रखा हुआ था। बहुत सारे मंदिरों को तोड़ने के बाद भी यह पवित्र संदूक इन लोगों को नहीं मिला। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बेबीलोनियन सेना के हमला से पहले ही इस संदूक को किसी गुप्त जगह पर छिपा दिया था, लेकिन वो जगह आखिर कहाँ है इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इथियोपिया के कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं यह संदूक आवर लेडी मेरी ऑफ जियोन चर्च में सुरक्षित रखा हुआ है। इनका मानना है कि 10वीं शताब्दी में इस संदूक को इजराइल के राजा सोलोमन के बेटे मेनेलिक एग्जाम लेकर आए थे। हालांकि इस बात में कितना सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। किसी को भी यह पता नहीं है कि यह संदूक यानी कि आर्क ऑफ कोवेनेंट को कहां पर रखा गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसे शेयर करने मत भूलना।